I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. बीच में हमने कुछ वीडियो बनाया था जिसमें हमने कीलॉइड के बारे में भी डिस्कस किया था, तो अभी एक जो हमारे वो दर्शक है उनका प्रश्न आया था कि मैंने पहले कीलॉइड की सर्जरी कराई थी और अब मुझे दोबारा से कीलॉइड हो गया है, तो अब मैं क्या उसको दोबारा करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता हूँ और कब कराऊँ। तो देखिए, उन्होंने कीलॉइड के बारे में तो हमसे पूछा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनका कीलॉइड है किस जगह है, कहाँ पर कराया उन्होंने, नाक का कराया, कान का कराया, चेस्ट का कराया, कहाँ का कराया, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम लोगों को सर्जरी नहीं करनी चाहिए, हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि रिज़ल्ट बहुत ही पुअर होता है, जैसे कि चेस्ट का है, और कई जगह होती है जैसे नाक है या कान है, यहाँ पे हम लोग यूजली सर्जरी कर देते हैं इसमें, क्योंकि रीजनेबली गुड हमें रिज़ल्ट मिलते हैं। कीलॉइड की एक समस्या तो हमेशा ही रही है, वो ये कि उसकी रिकरेंस, वो दोबारा आ सकता है इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स, आप जितना ही प्रयास करें तो उसके बावजूद भी कीलॉइड दोबारा आ सकता है। अब उन्होंने ये नहीं बताया हमें कि उन्होंने कब कराई थी सर्जरी और उनका क्या एरिया था, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जिस सर्जन ने आपकी सर्जरी करी, उन्होंने सिर्फ सर्जरी नहीं करी, उसके साथ साथ वो आपको कुछ शायद इंजेक्शंस भी लगाते होंगे, लोकल स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते होंगे, या वो आपको जो है कुछ प्रेशर स्प्रिंट्स भी देते होंगे जिससे कि वो कीलॉइड जो है वो दबा रहे, ज़्यादा ना फैले, कुछ क्रीम्स देते होंगे या सिलिकॉन शीट्स भी देते होंगे जिससे कारण कि वो कीलॉइड दबा रहे। तो ये इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो कि आपके सर्जन करते हैं जिससे कि वो कीलॉइड कंट्रोल में रहे या उभर के दोबारा ना आए। लेकिन अगर वो दोबारा उभर कर दोबारा आ गया है, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली डॉक्टर साहब ने, उसके बावजूद भी आया है और नेचुरली वो आपको बुरा लग रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। ये तो बेसिक चीज़ हो गई, क्योंकि आइडिया ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि हम उसको बिल्कुल दबा के रखें और उभरने न दें कीलॉइड को दोबारा, लेकिन एक बार उभर के आ गया है और वो वापस कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप उसका ट्रीटमेंट, इंजेक्शन आपने ले लिए, प्रेशर स्प्रिंट आपने ले ली, सिलिकॉन शीट वगैरह आपने डाल दी, वो डॉक्टर साहब ने डाले ही होंगे नेचुरली, क्योंकि अगर आप किसी भी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास जाएंगे तो वो ये सब ट्रीटमेंट तो आपको देंगे। अब अगर कंट्रोल में नहीं आया तो नेचुरली आपको उनसे डिस्कस करना पड़ेगा कि वो सर्जरी जो है वो करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे और कब करना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे जो ऑप्शंस होते हैं बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपने दोबारा अगर उसकी सर्जरी कराई, रिकरेंस की, तो दोबारा आपको कीलॉइड वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं और जो नेचर ही जानता है कि वो दोबारा आएंगी कि नहीं आएंगी। लेकिन आपको अपना प्रयास पूरा करना चाहिए, अपने उन प्लास्टिक सर्जन से डिस्कस कीजिए और उनको बताइए कि आपको कितनी मानसिक प्रताड़ना हो रही है, और अगर दवाइयों से, क्रीम से या प्रेशर स्प्रिंट से वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो नेचुरली वो सर्जरी आपको करानी ही पड़ेगी और करा लेनी चाहिए, इसमें कोई हार्म नहीं है सर्जरी कराने में। तो मैं समझता हूँ कि आप जो है अपने सर्जन से एक बार डिस्कस करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको बताएंगे कि कितना वेट करना चाहिए, और बिफोर ही डिसाइड्स कि भाई आपको सर्जरी की ज़रूरत है ही, तो वो आपके सर्जन डिसाइड करेंगे। हर क्लिनिशियन जो है अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि मैं कब तक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दूंगा और कब तक मैं किस लेवल पे आके मैं फिर डिसाइड करूंगा कि भाई अब मुझे सर्जरी कर देनी चाहिए पेशेंट की। उसमें और भी फैक्टर्स होते हैं भाई, आप यंग हैं, आपको शहर के बाहर जाना, आप इलाज कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, या कोई लड़की है जिसकी शादी करनी है वो फिर नहीं करा पाएगी, तो इसलिए ऐसे केस में फिर वो शायद वो जल्दी सर्जरी करना चाहे आपके। तो ये सब चीज़ें, सारे पॉइंट्स आप अपने सर्जन से डिस्कस कीजिए और मुझे उम्मीद है कि वो आपके लिए आपका जो निदान है वो जल्द से जल्द उसका निदान निकालेंगे और आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव चीज़ रहेगी, ये हर डॉक्टर का ओपिनियन अलग होता है, तो उसी हिसाब से आपके सर्जन जो है उसका इलाज ढूंढेंगे अपने हिसाब से, उनका एक्सपीरियंस क्या है और किस तरह से वो करना चाहते हैं, किस तरह से उसको मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, सर्जरी एक अब मेजर ऑप्शन बचा है आपके लिए, तो इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आप मैं किसी पॉइंट में मिस कर गया हूँ या मैं आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया हूँ,
तो आप हमें दोबारा प्रश्न करने में किसी भी तरह का संकोच न करें, हमें हमेशा ही बड़ी खुशी होती है आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।